नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्लीन स्वीप के साथ कमलनाथ का किला छीनने की कोशिश, 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में भाजपा। छिंदवाड़ा में पिछले 72 वर्ष में कांग्रेस का ही एक तरफा कब्जा रहा है। अपवाद स्वरूप वर्ष 1997 का उपचुनाव छोड़ दे तो कांग्रेस को यहां से कभी पराजय नहीं मिली। आपातकाल में जब देश भर में कांग्रेस के विरुद्ध लहर थी तब भी छिंदवाड़ा ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा था। छिंदवाड़ा में 1952 में अब तक हर आम चुनाव में कांग्रेस ही जीती। भाजपा ने केवल एक बार 1997 का उपचुनाव ही जीता। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में 28 सीटें जीती थी। धनंजय प्रताप सिंह भोपाल। देश के दिल मध्य प्रदेश में भाजपा इस बार कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को छीनने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने वर्ष 2019 में 28 सीटें जीत ली थी, पर छिंदवाड़ा में भाजपा की सफलता नहीं मिल पाई। यहां कमलनाथ के बजाय उनके पुत्र नकुलनाथ मैदान में थे। भाजपा कमलनाथ का छिंदवाड़ा का गढ़ दहाने में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पिछले 5 वर्ष से उसकी तैयारी भी जारी है। फरवरी में यह चर्चा चली थी कि कमलनाथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं और ऐसी स्थिति में नकुलनाथ भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि नकुलनाथ ने इस बार का खंडन कर दिया। 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश में मिली शानदार सफलता से भाजपा के हौसले बुलंद है। भाजपा को भरोसा है कि पीएम मोदी के जादू और रामलला के मंदिर से जागा उत्साह रहा आसान कर रहा है। छिंदवाड़ा में पिछले 72 वर्ष से कांग्रेस का एक ही तरफा कब्जा रहा है। अपवाद स्वरूप वर्ष 1997 का उपचुनाव छोड़ दे तो कांग्रेस को यहां से कभी पराजय नहीं मिली। आपातकाल में जब देश भर में कांग्रेस के विरुद्ध लहर थी तब भी छिंदवाड़ा ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा था। छिंदवाड़ा में 18 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, इनमें से सिर्फ भाजपा ने एक ही बार जीत दर्ज की, वह भी उपचुनाव में। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में मोदी लहर थी जिसमें भाजपा ने मध्य प्रदेश की 29 में से 27 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट अजय ही रही और कमलनाथ ने जीत दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में केवल छिंदवाड़ा में ही जीत मिली। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा का प्रभारी बना दिया गया था। इन 5 वर्षों में भाजपा ने कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार सहित पार्टी की जमीनी स्तर पर मजबूत किया। गिरिराज सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा के दौरे भी किए। हालांकि इन प्रयासों के बाद भी भाजपा विधानसभा चुनाव में यहां बेहतर परिणाम नहीं दे पाएगी। भले ही हर लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बढ़त बनाई हो, लेकिन हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों में आदिवासी बहुल कई सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी। 28 वर्षों बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आदिवासी सीटों पर भाजपा को मालवा से महाकौशल अंचल तक नुकसान हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।